बट आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि बहुत लेट सोए थे कल रात को इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते करते। हाँ केक मैं खाऊंगा, पूरा मैं खाऊंगा बचा हुआ। इधर वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, कल का बर्थडे का बहुत बड़ा ब्लॉग बन गया। और ये देखो ये भाई लोग बाहर सब चाय पी रहे हैं, यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है, साथ में है गुलाब जामुन। तो तुम लोग खाओ, मैं तब तक आता हूँ नहा के। फिर चलो, मेरा अभी 10 बज चुके हैं और फाइनली मेरा कल का ब्लॉग लाइव हो चुका है। बहुत लेट हो गया आज, लेट उठा था और एडिटिंग को और वो वीडियो ही अपलोड नहीं हो रहा था तो बहुत टाइम लग गया उसमें। अभी तक मूंगफली आपका निकालने का काम हुआ नहीं है। मंथ निकलने वाला है शायद, घर जा रहे क्या हेमंत? आज का ब्लॉग लाइव हो गया है, देख ले। अरे लेके जा रहा है क्या? अच्छा ग्रैंडफादर मिलने के लिए हमको ऊपर। तो हे गाइस, अभी बज रहे हैं 1 दोपहर के और खाने का टाइम हो गया है। पायल दरवाजा खोलो। दरवाजा क्या है आज खाने में? ओह माय गॉड, अभी इधर कोई देख नहीं। अबे भुक्कड़ कितना खाएगी? दोस्तों पता है मेरे शादी में ना यही केक लाया था और ये शादी छोड़ के केक खा रही थी। वो फोटोग्राफर बुला बुला के थक गया है इसको, भुक्कड़ गई की। सो टेस्टी है ये केक है। थैंक यू। अल्पाइन चॉकलेट मोंजिनिस से मंगवाया था। गला का बिल्कुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लग रहा है अभी ये। चलो मुझे दे दो ये पासपोर्ट फोटो। मम्मी किधर गई है? मनमार। हाँ हाँ ये मेरा है। अबे अच्छा वो हम मिलने गए थे कल उनको। ये क्या रे तू छींक रहा है? अबे एलर्जी है मुझे केक की। नहीं मत खा। हैप्पी बर्थडे सुनील के बर्थडे का केक, इसको भी खिलाया जाएगा। आज के खाने में है लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी, चूरमा टाइप बना रहे हैं उसका। और हम देख रहे हैं कल का सुनील का बर्थडे का ब्लॉग। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ चाय सबके लिए क्योंकि सारे लोग सोए हुए हैं। कहाँ पे गया अभी बर्तन? तो बर्तन मिल गया है, इसको इधर रख। हाँ भाई अब होने दो उसको गर्म। तो शायद बर्तन छोटी हो गई, बड़े बर्तन में देना पड़ेगा। दो नहीं मैं करूँगा, रुको तुम। अरे रुको ना, पायल नहीं मान रही है, वो बोल रही मैं ही करूँगी। मेरा कॉन्टेंट था आज चाय का फिनिश हो गया। ग्रैंडफादर अभी पानी दे रहे थे उन पौधों को। क्या हुआ मम्मी, क्यों हंस रहे हो इतना? अरे मैं भूल गया, अभी बाबा बकेट लेके जा रहे थे तो मुझे याद आ गया। आज का ब्लॉग देखा क्या तुमने? क्यों? अरे आज के ब्लॉग पे तो बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। नहीं नहीं ये मेरे आंटी जी ने दही लाके दिया है। शाम के 6 बज चुके, ऑफिस का काम खत्म कर दिया है। आज है महाराणा प्रताप जी की जयंती। हमारे जो पास का विलेज है वहाँ बीच का आयोजन किया गया है। जो फेमस महाराष्ट्रियन स्पीकर है जिनका नाम है नितिन बनगुड़े पाटिल, तो होने वाला है महाराणा प्रताप के ऊपर, तो उसको हम अटेंड करने के लिए जाने वाले हैं। मैं जाऊँगा, सुनील सचिन हम सब जाने वाले है। बहुत ले सक टाइम हो गया है पर चप्पल मेरी गायब हो गई है, ढूंढने का काम चल रहा है अभी। किधर है? चोर नंबर एक। चोर नंबर एक, ये देखो ये जब से अभी कॉलेज गया था ना तब तक मेरी चप्पल उधर ही रहती थी, जब से आया है ना अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये कहीं पे भी रख के आ जाता है सचिन। तो अभी सीन ऐसा है कि सुनील सचिन और माउली तो एक बाइक पे निकल गए, मैं और मोना साथ में जाने वाला है। गाइस अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे वो व्याख्यान होने वाला है 1.5 घंटे के लिए, होगा अभी यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं।
देर में आने वाले हो। सुने महाराणा प्रताप जी का स्टैचू भी लगा रखा है यहाँ पे। स्वागत करूया, विनंती करतो की त्यांनी डायस वर यावं। स्वातंत्र्यासाठी आयुष्यभर झुंज घेऊन डोंगर रंगांमध्ये संघर्षात झोपडीत अक्षरश रोज सुराज्य उभा करूया। धन्यवाद। अभी ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है और अभी हम सब घर निकल रहे हैं। हमारी बाइक वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ से निकालेंगे। मैं, पापा, हम साथ में जाएंगे। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। अभी खाना खाएंगे और फिर सोने जाएंगे। खाना खाएंगे? हाँ, खाना खाने का भाई वहाँ पे कहीं, हमें लगा जल्दी आ जाएंगे भाई, वो उनका तो नहीं ना। तो गाइस, खाना हो गया है, अभी जाएंगे सोने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए। तो अभी मम्मी सुनील की नज़र उतार रही है, इससे कुछ होता है नहीं पता नहीं, पर ठीक है। परंपरा